Dear students, today we will study the chapter Food and its Sources, भोजन और इसके sources for class 6. आज हम 6th class के लिए Food and its Sources chapter की study करेंगे. बच्चों, have you wondered कि हम food क्यों खाते हैं? Why do we eat food? And where does it comes from? ये कहाँ से आता है और हम क्यों खाते हैं? And what are the sources of food? तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? वाई डू वी ईट फूड, वाई डू वी नीड फूड? तो एक्चुअल में क्या है, फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. हमारे जो रूटीन के काम हैं उनको करने के लिए, रूटीन के काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. एंड फूड गिव्स अस एनर्जी. तुमने देखा होगा कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद हम रिसेस तक आते आते हमको भूख लगाती है और हम एग्जॉस्टेड फूड फील करते हैं. तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी एनर्जी स्टोर थी वो सारी यूज हो गई, उसको रिस्टोर करने के लिए वी ईट फूड. तो फूड गिव्स अस एनर्जी एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी. फूड है बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है. तो देखते हो डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स आते हैं. हम सिंपल एक तरह का भोजन नहीं करते क्योंकि हमें डिफरेंट फूड आइटम्स की जरूरत होती है, विटामिन की, मिनरल्स की और प्रोटीन्स की, फैट की. तो हम डिफरेंट टाइप का भोजन करते हैं तो हमें ग्रोथ में फूड हेल्प करता है. नेक्स्ट है, इट रिपेयर्स वॉर्न आउट टिश्यूज. जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है और कई बार कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको रिपेयर करने की जरूरत होती है. जैसे हमारा कपड़ा उधर जाता है सिर्फ, तो उसको सिलते हैं, उसी तरह जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो ये फूड आइटम्स हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं. एंड फूड आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीजेज से हमें बचाता है. हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरह की हमें डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं. तो व्हाई डू वी ईट फूड, इट हेल्प्स इन, इट गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट रिपेयर्स द वॉर्न आउट टिश्यूज एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है भोजन. ठीक है, तो भोजन कहाँ से आता है, जो भोजन को उत्पन्न करते हैं दे आर नोन एज प्रोड्यूसर. हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादक. क्या बोलते हैं? उत्पादक. जो भोजन को उत्पन्न करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर कहते हैं. देन ऑल ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, देन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. अब ये तो है प्रोड्यूसर. अब जो उनको यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता. जो उसका उपयोग कर रहे हैं उनको कंज्यूमर कहते हैं. तो ऑल एनिमल्स किसी ना किसी रूप में, चाहे किसी भी रूप में हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर. वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं तो उनको बोलते हैं कंज्यूमर. जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं उनको हर्बीवर्स बोलते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं. और जो दूसरों से सेकेंड टाइम में कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं उनको टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं. बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर. और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स. क्या होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर फूड. वो अपना भोजन बनाने में कैपेबल होते हैं. और अब वो कैसे बनाते हैं? हाउ डू दे मेक देयर फूड? ग्रीन प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. किसकी मदद से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से.
इसे इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं। और क्या बनाते हैं बच्चों? स्टार्च और यू कैन से C6H12O6, दिस इज स्टार्च और ग्लूकोज। ये ग्लूकोज और स्टार्च का सिंबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एंड क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो, स्टार्च कह सकते हो, बनाते हैं, ग्लूकोज कह सकते हो और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। बच्चों कैसे होता है प्रोसेस? अब हम ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? ये सन है, सन गिव्स अस सनलाइट। सन क्या देता है हमें? पौधों को सनलाइट देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। तो दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड सनलाइट फ्रॉम सन। एंड क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पार्ट में होता है बच्चों, लीव्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स है उसमें क्लोरोफिल होता है। और बच्चों इसके छोटे छोटे लीव्स पे पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना और जाना होता है, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है? स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग विच आर नीड फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए बने होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है लीव्स के अंदर। इस तरह की गार्ड सेल के द्वारा ये ओपनिंग है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। और ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, लीव्स बनाए जाते हैं। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता है, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी होता है। जो एक्सेस वाटर है वो लीव से और प्लांट से बाहर निकलता है थ्रू स्टोमेटा, राइट? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। What is the photosynthesis? Photosynthesis is a process in which green plants make their own food with the help of water and carbon dioxide in presence of chlorophyll and sunlight. They make carbohydrates, starch, कुछ भी कह सकते हैं, carbohydrate, starch or glucose and release oxygen gas. Oxygen gas को हवा में वापस कर देते हैं। तो this process is known as photosynthesis. Next टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स कौन कौन से फूड हमें प्लांट से मिलते हैं बच्चों? डिफरेंट पार्ट्स आर एडिबल। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे नहीं, इन सारे पार्ट्स हैं विच आर एडिबल। लेकिन सबके सब एडिबल नहीं होते, खाने योग्य नहीं होते। कुछ पार्ट, कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट हम खाते हैं, कुछ प्लांट के कुछ पार्ट हम दूसरे प्लांट के कुछ पार्ट खाते हैं, ऐसे अलग अलग खाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। सबसे पहले है रूट्स। तुमने देखा होगा रूट्स कहाँ पाई जाती है? रूट्स ऑलमोस्ट कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर पाई जाती है, अंदर अंडरग्राउंड का सॉइल, अंडरग्राउंड पार्ट में पाई जाती है रूट्स। और हम कुछ पार्ट के रूट्स भी खाते हैं, जैसे कैरेट है, कैरेट बीट रूट है, चुकंदर है और रेडिश है, इनकी हम रूट्स खाते हैं, रूट वाला पार्ट है जो हम खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेम। बहुत सारी चीज़ों के हम स्टेम भी खाते हैं। तुमने देखा होगा सर्दियों में मस्टर्ड का स्टेम काट के उनकी सब्जी बनाते हैं। इसके अलावा पोटैटो इज ऑल्सो स्टेम, जिंजर, अनियन, लोटस की स्टेम खाते हैं, कमल ककड़ी जिसको बोलते हैं। तो आलू, कमल ककड़ी है, जिंजर अदरक, अनियन प्याज, ये सब हम स्टेम है और स्टेम के रूप में हम उनको खाते हैं, उनकी वेजिटेबल बना के और जैसे भी उनको डिफरेंट तरह से हम खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। बच्चों फ्रूट्स जो होते हैं दे गिव्स अस विटामिंस। ऑलमोस्ट फ्रूट्स में मल्टी विटामिंस होते हैं, बहुत सारे विटामिंस होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल है, इनमें लेमन आता है और ऑरेंज आता है, मौसमी है, ये हमें विटामिन सी देते हैं। तो बहुत सारे फल हैं
गुआवा है, ऑरेंज है, बनाना है, मैंगो है, ये सारे बहुत सारे फल हम खाते हैं, तो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं लीव्स। बच्चों बहुत सारे लीव्स भी हम खाते हैं, जिनमें देखो कोरिएंडर लीव्स खाते हैं, है ना, धनिया की पत्ती खाते हैं, मिंट लीव्स खाते हैं, पुदीने की पत्ती है, स्पिनेच है, पालक की पत्ती खाते हैं, कैबेज की पत्ती खाते हैं, तो ये हम बहुत सारे लीव्स खाते हैं, स्पिनेच, कोरिएंडर, लेटस, लेटस जिसको सलाद पत्ता भी बोलते हैं, कैबेज एंड मिंट, तो ये हम लीव्स वाला पार्ट भी खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीड्स। बहुत सारे जो तुम देखते हो घर में, गेहूँ है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब क्या है? सीड्स हैं। तो हम सीड्स को चाहे किसी भी रूप में खाएं, पल्सेस है, गेहूँ का आटा बना के हम चपाती बनाकर खाते हैं, लेकिन खाते मस्टर्ड सीड्स हैं, तो बहुत सारे सीड्स भी हम राइस भी पल्सेस वगैरह ये हम सीड्स के रूप में खाते हैं, जो हम प्लाउ से बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर्स को हम देखते हैं कैसे कौन से फ्लावर खाते हैं, तो उसमें आता है कॉलीफ्लावर है, गोभी जिसको कहते हैं, डोकलाइट जो हम सारे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैबेज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली होती है, तो कॉलीफ्लावर ब्रोकलाइन ये हम फ्लावर्स के रूप में भी खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स का फूड प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कौन कौन सी चीज़ें हम खाते हैं, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, फ्रूट्स है, स्पाइसी है, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में अभी हमने पढ़ा था पोटैटो है, रेडिश है, कैरेट है, लेडी गॉर्ड है, लेडी फिंगर है, तो बीट रूट है, ये सारी भी सारी जो सब्जियां हैं ये वेजिटेबल्स में आती है, बेशक चाहे रूट्स वाला पार्ट हो, चाहे स्टेम वाला पार्ट हो, चाहे लीव्स वाला पार्ट हो, चाहे सीड्स वाला, जो भी है वॉट एवर, बट किस पे आएगा? वेजिटेबल, है ना। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ये स्टेम है, फ्रूट्स है, फ्रूट अलग होते हैं, रूट्स है, स्टेम है, तो ये सब किस पे आ गए? वेजिटेबल में यहाँ पर आएंगे। वेजिटेबल में कौन कौन से? सारी जितनी भी सब्जियाँ हम खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीरियल। सीरियल कहते हैं अनाज। अनाज में तुम अनाज में गेहूँ है, बाजरा है, रागी है, और भी है जैसे राइस है, तो ये सब सीरियल क्रॉप में आते हैं। सीरियल इनको हम जैसे गेहूँ है उसको हम पीसते हैं, आटा बनाते हैं, आटा बनाकर चपाती के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। ये भी क्लासिफिकेशन में आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स फल, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब हम फल के रूप में खाते हैं, जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं और विटामिन्स वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल के लिए हम बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड से हमने देखा, आलमंड, बादाम से, कैश्यू नट, और ये पीनट है, ये सब हमें तेल देते हैं, कोकोनट है, तो ये सब ऑयल के रूप में यूज़ होते हैं। स्पाइसेस एंड हर्ब्स, मसाले और थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ एक तरह से। बच्चों ऑलमोस्ट मसाले जो होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, सब हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करते हैं और बीमारियों से हमें बचाते हैं, जिससे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, क्लोव, लौंग है, क्यूमिन है, जीरा, और तुम देखते हो तेज पत्ता खाते हैं, वो भी हमें क्लोव, लौंग, काली मिर्च, पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, तो जो खाते घर में जो भी हम खाते हैं, सिनेमोन, जो भी दालचीनी है, ये सब हमारे लिए हर्ब्स का काम भी करते हैं। बेसिल है, तुलसी, मिंट, ये सब हमें हर्ब्स का काम भी करते हैं, हमें जड़ी बूटियाँ प्रदान करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं नट्स। नट्स बच्चों बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इनको ड्राई फ्रूट्स भी बोलते हैं। कुछ नट्स ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी यूज़ होते हैं, जैसे हम बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, और अखरोट खाते हैं, ग्राउंड या मूँगफली भी, ड्राई करके भी खा सकते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीवरेजेस। बीवरेजेस पीने वाले पदार्थ, उसमें टी एंड कॉफ़ी है। टी जो है लीव्स से बनाई जाती है, पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, और कॉफ़ी सीड से बनाई जाती है, सीड को
पीस कर कॉफी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चॉकलेट। चॉकलेट भी हमें प्लांट से मिलती है, कर्नल ऑफ कोका बीन्स, बीन्स का जो कर्नल पार्ट होता है उसको पीसा जाता है, ग्राउंड किया जाता है, ग्राइंड करके उसका पहले पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बना के एक चॉकलेट लीपर बनता है और फिर उसको ड्राई करके उसको मोल्ड में डालकर ड्राई करके क्या बनती है, चॉकलेट बनती है। राइट, तो ये थोड़ा सा पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक हमने बोला था कि हम फूड फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से फूड मिलता है, अब पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारी चीज़ें के लिए हम एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मिल्क, और हम लोग दूध पीते हैं, और दूध हमें किससे मिलता है, काउ, गॉट, बफेलो, शीप, कैमल, इन सबसे हमें मिल्क मिलता है। सेकेंड आते हैं एग। बच्चों, जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स जिनको हम उनको कहते हैं अंडे देने वाले पक्षी, राइट, हैन है, डक है, पर्ल है, टर्की है, इन सब के अंडे खाए जाते हैं और तो डक देने वाले एनिमल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं मीट एंड सी फूड। बच्चों, मीट तुम देखते हो हम चिकन खाते हैं और गॉट का, शीप का, पिग का, इन और कुछ लोग काऊ का भी खाते हैं कुछ कंट्रीज में। तो ये एनिमल से हमें मीट मिलता है। इसके अलावा सी फूड में फिश है, प्रॉन्स है और क्रेब है, ये सब सी फूड में आते हैं। उसके नेक्स्ट आते हैं ऑयल। बच्चों, कॉड लिवर, कॉड एक फिश होती है, उसके लिवर से ऑयल निकाला जाता है और वो यूज मेडिसिन में यूज़ होता है। विटामिन ई उसमें पाए जाते हैं, देखते हो येलो कलर के चमकीले से कैप्सूल आते हैं छोटे छोटे, तो वो कॉड लिवर ऑयल के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हनी। हनी इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। हनी भी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती है और वो अपने बी हाइव में लाकर उसको कलेक्ट करती है, एंड देन जो नेक्टर है फूलों का, मकरंद जिसको बोलते हैं, वो कन्वर्ट होता है हनी बी में, यानी शहद में। नेक्स्ट आते हैं हाउ फूड इज प्रोड्यूस। हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चपाती किस तरह से बनती है। वैसे हम इसके अलावा कुछ देखो खाते हैं, तुम देखोगे कि बॉइल्ड फूड भी खाते हैं, राइस बॉइल करके खाते हैं, कुछ हम फ्राई करके खाते हैं, तल कर खाते हैं, और कुछ हम बेक कर खाते हैं, स्टीम बेक कर खाते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम फूड खाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि चपाती किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कल्टीवेशन। हम गेहूँ को उगाकर खेतों में उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है फसल के रूप में, और जब उसमें सीड तैयार हो जाता है, फसल पककर तैयार हो जाती है, तो उसकी कटिंग की जाती है, तब उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि किस तरह से फसल उगाई जाती है, या तुम अपने घरों में पौधे लगाते हो, प्लांट्स लगाते हो छोटे छोटे पॉट में, उसमें भी घास उगाई उसको निकालते हो, मैन्योर देखते हो, इरिगेशन करते हो, यानी पानी देते हो, तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कल्टीवेशन में। आफ्टर कल्टीवेशन क्या होता है, जब हमारा फसल पककर तैयार होता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, कटिंग करी जाती है। इट इज़ डन बाई मशीन, यानी हाथ से की जाती है मैनुअली सिकल के द्वारा। इसके अलावा इसको मशीन से भी काटते हैं, कंबाइन होती है जो हाथ के हाथ गेहूँ भी निकालता चला जाता है और कटिंग भी होती रहती है। और अगर हम डिफरेंट मेथड से करते हैं तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, पहले फसल को काटा है फिर उसमें से ग्रेन्स को थ्रेशर के द्वारा निकाला जाता है। आफ्टर दैट ग्रेन्स हमारे पास आ गया, गेहूँ आ गया, उसको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करके पीसा जाता है, उसको पीस के क्या बनता है, आटा बनता है। और उस आटे से हम प्रिपरेशन ऑफ डो, हम आटा लगाते हैं जो गीला मम्मी चपाती बनाने से पहले लगाती है, तो प्रिपरेशन ऑफ डो। आफ्टर दैट चपाती बनाई जाती है, मेकिंग ऑफ चपाती, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ये तुम फिफ्थ क्लास में भी पढ़ चुके हो, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे तरह से फूड हैबिट्स यानी भोजन लेने के
तरीके हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं कुछ लोग कुछ खाते हैं, तो उनको क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, जो टोटली प्लांट और प्लांट पार्ट पर डिपेंड करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स, दैट इज शाकाहारी। उनको शाकाहारी कहते हैं। काउ है, गॉट है, कैमल है, डियर है, ये सब कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। ये बच्चों जो हर्बीवोर्स होते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, क्या होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है। अभी हमने पहले पढ़ा था तो प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स है मांसाहारी, जो हू ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, हू ईट ओनली फ्लैश, दूसरों का मांस खाते हैं, तो उनको कहते हैं ओमनीवोर्स, यानी मांसाहारी। इसमें सॉरी कार्निवोर्स जो हू ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उसमें आते हैं लायन है, टाइगर है, और बहुत सारे तुम देखते हो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो केवल मांस को खाते हैं, मीट को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर होते हैं सर्वहारी, हुई प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज फ्लैश, जो दोनों खाते हैं, हुई बोथ, बोथ क्या प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उनमें उनको कहते हैं ओमनीवोर सर्वहारी, जो दोनों चीज़ों को खाते हैं। उसमें आते हैं क्रो है, मैन भी है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ओमनीवोर फिश कैटेगरी में आते हैं। बियर भालू, भालू भी दोनों चीज़ें खाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्केवेंजर। स्केवेंजर टू ईट डेड, टू ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, उनको बोलते हैं स्केवेंजर। इसमें आते हैं जैकार, गीदड़ है, बल्चर है, जो काइट तुमने देखा होगा, चील और क्रो, क्रो भी इसमें आता है, ओमनीवोर में आता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, पैरा मीन्स अदर, पैरासाइट्स मीन्स लिविंग, जो दूसरों के ऊपर रहकर भोजन लेते हैं, ऊपर या अंदर। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन और ऑन द अदर बॉडी एंड ऑब्टेन और ड्राइव देयर फूड आर नोन एज पैरासाइट। इसमें आते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, गोल गोल होता है, एस्केरिस इसको बोलते हैं। टेप वर्म, ये फीता किडनी होता है, ये भी हमारी इंटेस्टाइन में होता है, और ये टेप वर्म टू होस्ट में होता है, एक तो पिग में होता है और एक हमारे में, जो इसके एग है वो हमारी बॉडी में होते हैं और उसके बाद ये फीसिस के द्वारा निकलकर पिग इसको खा लेता है, तो उसमें से लार्वा निकलता है, और जो लोग रॉ मीट खाते हैं तो लार्वा उनकी बॉडी में चला जाता है और ये डेवलप हो जाता है, कहीं भी डेवलप होता है और हमारी इंटेस्टाइन में होता है, जो हम खाना खाते हैं वो ये खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाउस भी है। लाउस जिसको जू कहते हैं, जो सिरों में कई बार कई लोगों के पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर और बाहर दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे चार तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स और बाइटिंग टीथ। इनको जो आगे वाले दांत हैं उनको इंसीजर और बाइटिंग टीथ कहते हैं, जो कटिंग का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैनाइन। कैनाइन और टीयरिंग टीथ, टीयर टीथ, इनको जो फार्मने का काम करते हैं, जो बच्चों फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें बहुत डेवलप होते हैं, लॉइन वगैरह के देखे होंगे, जो चार दांत हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो ये टीयरिंग टीथ है जो मांस को फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट मोलार एंड प्रीमोलार, इनको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, जो चबाने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फूड हैबिट्स इन डिफरेंट रीजन्स। तुम देखते हो हम जो हम अपने इंडिया में ही देखें, इंडिया में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट डिफरेंट। जब नॉर्थ में जाओगे बिल्कुल ऊपर शिमला वगैरह में, जम्मू कश्मीर में बहुत सर्दी होती है, कन्याकुमारी है नीचे, तो ये कन्याकुमारी जो नीचे वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, वो कौन सा सी वाला पार्ट है, सी कोस्ट का पार्ट है, तो जहाँ हम जाते हैं प्लेन एरिया में अलग तरह की फसल होती है, तो जहाँ पे जो चीज़ जिसका कल्टिवेशन ज़्यादा होता है,
वही वहाँ का वो स्टेपल फूड होता है। तुमने देखा होगा अगर राजस्थान में चले जाए तो राजस्थान में लोग क्या खाते हैं, राजस्थान में लोग दाल बाटी चूरमा खाते हैं, है ना। पंजाब में जाए तो मक्के की रोटी सरसों का साग खाया जाता है, कहीं एरिया में नॉर्थ में चले जाए तो गेहूँ की रोटी और सब्जी दाल वगैरह खाई जाती है, और सी कोस्ट वाले एरिया में चले जाए तो फिश और राइस, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा होता है फिश तो समुद्र में से आती है, और जो जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर राइस बहुत अच्छा होता है, तो राइस और फिश उनका स्टेपल फूड है। तो डिफरेंट रीजन में, और हम जहाँ अगर हम कश्मीर वगैरह में चले जाएँ तो वो लोग मीट वगैरह भी ज़्यादा खाते हैं, राइस और मीट खाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वहाँ बहुत ग्रो होते हैं और सर्दी में खाए भी जाते हैं, राइट। तो ये था चैप्टर फूड एंड रिसोर्सेज, होप यू विल अंडरस्टैंड बच्चों, ऑल द बेस्ट।